हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे यह फायदा होगा कि जो भी नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आपको मिलेगा। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ फ्रेंचाइजी कैसे लें। बहुत सारा हमारे दोस्तों का कॉमेंट आ रहा था कि सर फ्रेंचाइजी के बारे में कुछ बताइए, उसका वीडियो एक बनाइए। दोस्तों, आज हमें फ्रेंचाइजी के बारे में बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो बातें हैं मैंने एक कॉपी में लिख लिया हूं, और उसके बाद मैं एक एक पॉइंट करके आप सभी को बताऊंगा कि फ्रेंचाइजी कैसे लेते हैं, फ्रेंचाइजी लेने में कितना एरिया चाहिए, कितना पैसा लगता है और कैसे काम होता है, सारा हम आपको इस वीडियो में बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, फ्रेंचाइजी कैसे ले। तो मैं पहला पॉइंट पढ़ता हूँ, इसमें लिखा हुआ है कि हाउ टू गेट डिलीवरी कुरियर फ्रेंचाइजी, अबाउट दी कंपनी, टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजी मॉडल्स। यह कितने मॉडल का है? तो यह चार प्रकार का मॉडल का है। यह जो मॉडल है वह चार प्रकार का है। फिर लिख रहा है फ्रेंचाइजी रिक्वायरमेंट, एरिया, स्पेस, लैंड रिक्वायरमेंट, यानी इसका एरिया कितना होगा, कितना एरिया में हम लेंगे फ्रेंचाइजी तो काम करने में अच्छा होगा। उसके बाद है हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर फ्रेंचाइजी, यानी फ्रेंचाइजी के लेने के लिए हम अप्लाई कैसे करें, कहाँ जाएं, ये हम सब वीडियो में बताएंगे। और एक आखिरी है कि ईयरनिंग प्रॉफिट और मार्जिन, कह रहा है दोस्तों कि इसमें हम ईयरनिंग कितना पैसा कमाएंगे, कितना पैसा हमको लगाना होगा इसमें, तो सारे पॉइंट को हम एक एक बताएंगे। उससे पहले मैं डिलीवरी के बारे में कुछ आपको जानकारी दे दूँ कि डिलीवरी इज एन इंडियन लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन कंपनी, ये भारत का एक कंपनी है डिलीवरी कुरियर। और फिर कह रहा है कि वेस्ट इंस गुरुग्राम हरियाणा, ये कहाँ का है? गुरुग्राम हरियाणा का। और इसकी शुरुआत 2011 में साहिल भरुआ ने की थी। इनका जो सीईओ हैं वो साहिल भरुआ हैं, वो 2011 में शुरुआत किए थे। दोस्तों, मैं और भी बताता हूँ आपको कि यह कैसे काम करता है, कितना पिन कोड पर काम करता है, कितना इनका ऑफिस है, इसे सारे तो मैं बता रहा हूँ कि द कंपनी हैज ओवर 93 फुलफिलमेंट सेंटर, 24 ऑटोमेटेड सॉर्ट सेंटर और 70 हब्स, 122 गेटवे, 70,000 प्लस पिन कोड। दोस्तों, यह 17,000 प्लस पिन कोड पर डिलीवर करता है। डिलीवरी जो है 17,000 प्लस पिन कोड होता है उस पर ये डिलीवर करता है। 7,500 प्लस पार्टनर, इनका जो पार्टनर है 7,500 प्लस पार्टनर है सेंटर, एंड 3,000 प्लस डायरेक्ट डिलीवरी सेंटर। और जो इसका अपना खुद का है वो 3000 प्लस इनका डिलीवरी का सेंटर है, खुद अपने कंपनी का है। और इसके रेवेन्यू का 30% थर्ड पार्टी डिलीवरी से आता है, वो इसका 30% जो है वो थर्ड पार्टी काम करती है। और सबसे खास बात डिलीवरी के बारे में कि यह लिख रहा है कि भारत का सबसे तेज नेटवर्क, सबसे तेज फास्ट कुरियर काम करने वाला डिलीवरी को मैं घोषित किया गया था 2021 में। यह 2021 में यह साबित हो गया था कि सबसे तेज कुरियर फास्ट काम करने वाला डिलीवरी है। चलिए, ये तो हो गया डिलीवरी के कुरियर के बारे में। अब जो मेन पॉइंट है हम बताते हैं, मेन पॉइंट है टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजी मॉडल। टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजी मॉडल, मैंने फर्स्ट वीडियो को फर्स्ट में ही बताया था कि यह चार प्रकार का होता है। कौन कौन होता है मैं बताता हूं। पहला है कंसोलिडेशन, दूसरा है लास्ट माइल एजेंट, थर्ड, तीसरा है ड्रॉप एट स्टोर, चौथा फ्रेंचाइजी, जो कि आज हम फ्रेंचाइजी के बारे में बात करेंगे, तो चौथा फ्रेंचाइजी है। अब हम एक एक करके सबको बारे में बताते हैं, ठीक है। सबसे पहला है कंसोलिडेशन,
यह क्या है, इसको क्या करना होता है, क्या है? तो कहता है कि कॉन्स्टलेशन वह है, इसमें पार्सल डिलीवर करना है और पिकअप रिसीव करना है। कहने का मतलब है कि जो बड़े बड़े पैकेट आता है उसको आपको रिसीव करना है, और कुरियर के द्वारा जो सी टू सी पैकेट होता है, जो कहीं कुरियर, जो कहीं कस्टमर भेजता है, मान ले कि मेरा परिवार यहाँ है तो हम एक पार्सल यहाँ से डिलीवरी के साइट पर जाकर के इसको ऑर्डर करें और यहाँ पार्सल मैं अपना उनके पास भेजूँ, तो हमारा कुरियर, हमारा जो डिलीवरी कुरियर है वो यहाँ से पार्सल ले जाने का भी काम करता है। इसको बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। दूसरा है लास्ट माइल एजेंट। लास्ट माइल एजेंट में क्या है कि इसमें जो है पार्ट टाइम जॉब है, जो आप डेस्क पार्टनर पर जो कुरियर काम करते हैं उनके लिए यह सबसे अच्छा सुनहरा अवसर है। पार्ट टाइम जॉब उनके लिए है जो स्टूडेंट शहर में रह करके काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए यह काम है कि पार्ट टाइम जॉब 4 घंटा 3 घंटा जो भी समय है उनके पास, जो उनके पास पैसा नहीं जुट रहा है तो यह काम करके आप अपना पैसा कमा सकते हैं। उनके पैकेट के अनुसार उनको पैसा दिया जाएगा, जो भी कुरियर कंपनी उसको इतना पैकेट पर, एक पैकेट पर जो भी घोषित करता है उनका पैसा उनको मिलेगा। चलिए ये हो गया लास्ट माइल एजेंट। अब हो गया ड्रॉप एट स्टोर, यह सिर्फ मेट्रो सिटी में है। अब बात है फ्रेंचाइजी, जो चौथा ऑप्शन है वह फ्रेंचाइजी का है, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। दोस्तों फ्रेंचाइजी क्या है, फ्रेंचाइजी लेंगे आप तो इसमें आपको डिलीवर करने की जरूरत नहीं है। तो आप सोचेंगे डिलीवर करने की जरूरत नहीं है तो फ्रेंचाइजी लें क्यों? दोस्तों मैं बताता हूँ इस वीडियो में। यह एक दुकान है, एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि यह एक दुकान है। आप दुकान एक खोलेंगे, फ्रेंचाइजी लेंगे और एक तरह का दुकान होगा, दुकान ओपन करनी होगी। दुकान ओपन करने के लिए क्या करना है, इसमें एरिया कितना लगेगा, इसके बारे में बताता हूँ। एरिया स्पेस कह रहा है, मैं पहले बताता हूँ आपको फ्रेंचाइजी के बारे में बताऊँगा, पहले हम कॉन्स्टलेशन के बारे में बताते हैं। कॉन्स्टलेशन के लिए एरिया चाहिए 500 स्क्वायर वर्ग फीट, 500 से 600 स्क्वायर वर्ग फीट। दोस्तों यह क्यों होता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पार्सल आते हैं तो आपको रखने के लिए जगह भी चाहिए आपके पास, तो इसलिए 500 से 600 स्क्वायर वर्ग फीट होना चाहिए कम से कम। अब बात करते हैं फ्रेंचाइजी को, तो फ्रेंचाइजी के स्पेस एरिया कितना होना चाहिए, तो यह 200 से 300 स्क्वायर फीट होना चाहिए, 200 से 300 फीट स्क्वायर फीट होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो पार्सल आता है ना बहुत छोटा छोटा पैकेट आता है आपका, तो 200 से 300 होना चाहिए, इसलिए कि जो भी कोई इसमें काम करेंगे कुरियर बॉय तो उनका रूट से लाइन लगाने के लिए पार्सल, आप जो गाड़ी से आपको पार्सल उतरेगा उसको रखने के लिए, तो इतना काफ़ी है 200 से 300 या मिनिमम, ज़्यादा रहेगा तो फायदा अच्छा है। चलिए अब बोलते दोस्तों इसमें करते हैं कि लागत कितना लगेगा, हम फ्रेंचाइजी लेंगे तो उसमें पैसा कितना लगेगा, लागत कितना लगेगा, तो मैं इसके बारे में बात करता हूँ। मैं एक एक पॉइंट लिख लिया हूँ ताकि मुझे बताने में दिक्कत ना हो। दोस्तों लागत के लिए है तो मैं पहले बात करता हूँ कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन लगभग खर्च इसको पड़ता है 12 से 15 लाख, क्योंकि वह बड़ा उसमें हैवी पैसिपमेंट आता है, तो उसमें आपको 12 से 15 लाख आपको पहला खर्च पड़ेगा कॉन्स्टलेशन में। अब बात करते हैं फ्रेंचाइजी के, तो फ्रेंचाइजी के लिए आपको पैसा कितना लगेगा, तो फ्रेंचाइजी के लिए लगभग 2 से 3 लाख तक आपको फ्रेंचाइजी के लिए पैसा लगेगा, 2 लाख से 3 लाख तक। दोस्तों ये तो हो गया आप फ्रेंचाइजी और डिलीवरी के बारे में मैंने बताया। अब कह रहा है कि अप्लाई हम कैसे करें, आपके मन में तो होगा कि अप्लाई कैसे करें, भाई मैंने तो साहब कुरियर के बारे में बता दिया लेकिन इसे तो अप्लाई बताया नहीं, तो दोस्तों घबराइए नहीं, मैं बता रहा हूँ आप इसका जो डिलीवरी का है इसका अपना एक साइट है, इस पर जाइए गूगल पर या क्रोम पर कहीं भी जा करके www.delivery.com पर जाएंगे और इसका जो है ऑफिशियल साइट इस पर जाकर सर्च करेंगे, बाकी जो इसमें ऑप्शन है इसका प्रिकॉशन है आप इसका सही सही ऑप्शन चुनते जाएंगे, उसके बाद आपका फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई किया जाएगा और अप्लाई करेंगे उसके बाद आपको अप्रूवल मिलेगा और इसके बाद आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को डिलीवरी कुरियर के बारे में बताया कि फ्रेंचाइजी कैसे लेते हैं। तो दोस्तों आप सभी को मेरा वीडियो कैसे लगेगा
आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको एक और वीडियो बनाने के लिए आप मेरे को बताइएगा कि इस पर एक वीडियो बनाइए सर, तो मैं जरूर बनाऊंगा, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, आपको सिर्फ कमेंट में करना है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।